निकटवर्ती ग्राम पंचायत बलाट के ग्रामीणों ने लंपी रोग से ग्रसित मृत पशुओं को दफनाने में ग्राम पंचायत प्रशासन पर लापरवाही तथा उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत प्रशासन की लापरवाही तथा उदासीनता के कारण मृत पशुओं के शव खुले में पड़े होने तथा इससे फैलने वाले संक्रमण की आशंका तथा मृत पशुओं को दफनाने की व्यवस्था की मांग को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी राहुल जैन को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम जैन को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि लंपी रोग संक्रमण के चलते ग्राम पंचायत बलार क्षेत्र में विगत दिनों से कई गायें मर चुकी है। मृत पशुओं को दफनाने तथा शेष पशुओं को रोग से बचाने का उपाय करने के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत ग्राम सेवक तथा विकास अधिकारी जवाजा को सूचित किया। ग्रामीणों ने बताया कि इस बाबत कई बार ग्राम सेवक से आग्रह किया गया, लेकिन उन्होंने पशुओं को दफनाने की व्यवस्था करवाने तथा पशुओं को संक्रमण से बचाने की व्यवस्था करने से साफ मना कर दिया। ग्रामीण चतर सिंह ने उपखंड अधिकारी से शीघ्र ही गांव में पशुओं के उपचार तथा मृत पशुओं के शवों को दफनाने की व्यवस्था करवाकर गांव में फैलने वाले संक्रमण से बचाने की मांग की है। ग्रामीणों की ओर से दिए गए ज्ञापन पर उपखंड अधिकारी जैन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए विकास अधिकारी जवाजा से दूरभाष पर संपर्क कर मृत पशुओं को दफनाने की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। एसडीएम जैन ने बताया कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ज्ञापन देने वालों में राहुल, करण, गुंजन, जितेंद्र, देवा रावत, सोहन सिंह तथा लाल सिंह आदि शामिल थे। गाया की इतनी हालत हो रही, गाया तड़पड़ा तोड़ तोड़ मर रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। ग्राम सेवक को बोलते हैं गाया को दफनानी है, तो ग्राम सेवक आज तक वहाँ 15 अगस्त को भी वो वहाँ पे ग्राम पंचायत में आया नहीं और आज तक ढूंढ ढूंढ के परेशान है। अभी पंचायत में सब लड़के जा गए हैं, क्या सरपंच साहब के पास जाओ, सरपंच साहब भी कोई उन्हें करने वाला नहीं इन गायों की। और गाय बाहर से भी छोड़ के जा रहे हैं आईटी ऑफिस के पीछे रात को, और सब गायों में बीमारी चल रही है, गाय की हालत बहुत खराब है। इसमें हमने एडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये अभी तक वर्तमान में जोधपुर की तरफ ज्यादा देखी गई थी, अन्य क्षेत्रों में देखी, लेकिन इसका अब प्रभाव हमारे उपखंड ब्यावर में देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों में कई पशुओं को संक्रमित होने की सूचना मिली है। इसको लेके पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो नगर परिषद ब्यावर ने भी कार्रवाई की है एवं समस्त ग्राम पंचायतों को भी आदेशित किया गया है कि मृतक गायों को और आवारा पशु जो संक्रमित उनको आइसोलेट करने की कार्रवाई की जानी है। किंतु ये सूचना मिली है कि ग्राम पंचायत बलाड और अन्य पंचायतों में इस तरह कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसके लिए तत्काल प्रभाव से बीडीओ साहब को निर्देशित किया गया दूरभाष पर, और अगर ये नहीं कार्रवाई करते तो इनके विरुद्ध जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो अमल में लाई जाएगी। चेहरे पर उनकी आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहनाइए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, सिटी सिनेमा रोड, नियर मिशन ग्राउंड, ब्यावर। शर्तें लागू। चेहरे पर उनकी आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहनाइए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, सिटी सिनेमा रोड, नियर मिशन ग्राउंड, ब्यावर। शर्तें लागू।